नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 2 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार राज्य कृषि विभाग में जल्द ही निकाली जाएगी रिक्तियां। बिहार में तेज हवा के साथ भारी बारिश की जारी हुई चेतावनी। बिहार में अब होगी जिलों की रैंकिंग। बिहार में मोबाइल पर दिखेगा जमीन के दाखिल खारिज की स्थिति। आज पूरे देश में मनाई जाएगी गांधी जयंती। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार राज्य कृषि विभाग में जल्द ही निकाली जाएंगी रिक्तियां। बिहार राज्य में कृषि विभाग में रिक्त पदों पर 1417 पदों पर बहाली बहुत जल्द शुरू होने वाली है। आपको बता दें, कृषि मंत्री ने 31 मई को कृषि योजनाओं की समीक्षा के दौरान चिन्हित रिक्तियों पर नियुक्ति को लेकर अधियाचना शीघ्र भेजने का निर्देश जारी किया था। प्रमंडल स्तर पर 2459 स्वीकृत पद हैं, जिसमें 1042 कार्यरत हैं। इसमें 1417 पद रिक्त हैं। सबसे अधिक पूर्वी चंपारण जिले में रिक्तियां हैं, जिसके लिए जल्द ही आवेदन की तारीख जारी होने वाली है। हालांकि आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी के लिए उम्मीदवार dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर सारी जानकारी दे सकते हैं। आज पूरे देश में मनाई जाएगी गांधी जयंती। आज पूरे देश में गांधी जी की जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि आज ही के दिन साल 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी भारत की आजादी की लड़ाई में 1915 से सक्रिय हुए और आजादी की जंग उसके कई दशकों पहले से चल रही थी, लेकिन गांधी जी की एंट्री ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जबरदस्त जान फूंकी थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी भूमिका ने भारतीय समाज और राष्ट्रीयता को नए सिरे से गढ़ने में मदद की थी। उनकी अहिंसक नीतियों और नैतिक आधारों ने और अधिक लोगों को आंदोलन से जोड़ा था। उन्होंने सभी धर्मों को एक समान मानने, सभी भाषाओं का सम्मान करने, पुरुषों और महिलाओं को बराबर का दर्जा देने और दलितों गैर दलित के बीच की युगों से चली आ रही खाई को पाटने पर जोर दिया था। बिहार में तेज हवा के साथ भारी बारिश को लेकर जारी हुई चेतावनी। बिहार में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। पटना समेत राज्य के कई इलाके में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी झारखंड और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। धीरे धीरे इसके उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने और बिहार के अधिकांश भागों को प्रभावित करने का अनुमान है। इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों तक 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है, जिसके तहत भोजपुर, अरवल, गया, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण जिले को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज समूचे बिहार में चलेगा मेगा वैक्सीनेशन अभियान। बिहार में आज गांधी जयंती के मौके पर कोविड-19 की रोकथाम को लेकर वहां अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत बिहार में 35 लाख कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी बिहार सरकार ने टीकाकरण अभियान चलाया था, जिसमें बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से 2 अक्टूबर को कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर राज्य में 15,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। पिछली बार 14,500 टीकाकरण केंद्र का संचालन किया गया था। सरकारी जानकारों की माने तो इस बार ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सर्वेक्षण में बिहार के सरकारी स्कूल के पिछड़ने की जांच शुरू। स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता में बिहार के सरकारी स्कूल पिछले 5 साल से फिसड्डी साबित हो रहे हैं। आलम कुछ यूं है कि महज 9% स्कूलों ने ही अपनी दावेदारी पेश की है, जिसके बाद अब ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को स्वच्छता प्रतियोगिता में भाग लेने की कवायद शुरू की गई है। यही कारण है कि बिहार के शिक्षा विभाग ने ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को स्वच्छता प्रतियोगिता में भाग लेने की कवायद शुरू कर दी है, जिसे लेकर स्कूल को एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2016 में ही केंद्र सरकार ने देशभर के स्कूलों के बीच स्वच्छता प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से बिहार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ की मदद से बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता शुरू किया है। राजधानी पटना में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गंगा नदी के किनारे बसा पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन भारत में इसे पाटलिपुत्र के रूप में जाना जाता था। यह शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक माना जाता है। पटना सिख भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ है, क्योंकि इनके अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान माना जाता है। पटना में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बिहार संग्रहालय, गोलघर, बुद्ध स्मृति पार्क, हनुमान मंदिर, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी मंदिर, अगमकुआं, कुम्हरार, किला हाउस, शहीद स्मारक आदि प्रमुख है। दुबई में आयोजित
आयोजित शोबिज अवार्ड में पूर्णिया के लाल ने मचाया धमाल। मिड डे इंटरनेशनल शोबिज अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया था, जिसमें एमएक्स प्लेयर पर प्रदर्शित बहुचर्चित फिल्म सीतापुर में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए पूर्णिया के लाल बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रवि सुधा चौधरी को बेस्ट आइकॉनिक डेब्यू एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये अवार्ड सेरेमनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन था, जिसमें बॉलीवुड से कई नामचीन सितारे भी शामिल हुए थे, जिनमें विवेक ओब्रॉय, नेहा शर्मा, डेजी शाह, अदिति राव, जरीन खान, उर्वशी रौतेला, रोहित रॉय आदि थे। रवि सुधा चौधरी की सशक्त अभियान क्षमता ने दर्शकों के साथ साथ इन कलाकारों का भी दिल जीत लिया। बिहार से उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए चलाई जाएगी 112 बसें। बिहार से दूसरे शहरों में जाने के लिए यात्रियों को अब बसों की कमी नहीं सताने वाली है, क्योंकि पटना से दरभंगा, समस्तीपुर, सासाराम, जमुई, बांका, पाली, भभुआ, औरंगाबाद, भिट्ठा मोड़, मानपुर समेत झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरों के बीच परिचालन के लिए बसों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बिहार में 50 रूटों पर झारखंड के लिए 10 और यूपी के लिए 6 रूटों पर परिचालन में बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बाबत निगम की तरफ से इन 66 रूटों पर 70 बसें चलाई जाएंगी। इसको लेकर बिहार के अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राज्यीय मार्गों के विवरण, आवेदन के प्रारूप और बसों के परिचालन की शर्तें परिवहन विभाग की तरफ से जारी की जा चुकी है। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी कीमतें। अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही लोगों को जोरदार झटका लगा है, जो कि पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से दिया गया है, जिसके तहत अक्टूबर के पहले दिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 43.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि खाना पीना भी महंगा होने की संभावना जताई जा रही है। इंडियन ऑयल के अनुसार अब राजधानी दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 1736.50 रुपए हो गया है, पहले यह 1693 रुपए का था। हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके पहले 1 सितंबर को रसोई गैस यानी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। राजकीय गर्ल्स पटना में एनसीसी की 25 छात्राओं को मिला साइकिल। बिहार में महिलाओं के उत्थान को लेकर अब तक कई काम किए जा चुके हैं। वहीं महिलाओं को स्कूल तक पहुंचाने के लिए बीते दिन एक खास पहल की गई, जिसके तहत कैनरा रोबिको एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गर्दनीबाग राजकीय गर्ल्स पटना में एनसीसी की 25 छात्राओं को साइकिल वितरण किया। इस मौके पर कैनरा रोबिको के बिहार झारखंड के क्लस्टर हेड राणा रानेश, बिहार विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम कुमारी, शिक्षिका निरुपमा और अनुजा मैडम उपस्थित थी। पटना रांची एनएच को लेकर बिहार और झारखंड सरकार पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। पटना रांची एनएच निर्माण मामले को लेकर बीते दिन झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले को लेकर अदालत ने बिहार और झारखंड दोनों ही सरकार से जवाब तलब किया है। इसको लेकर कोर्ट ने पूछा कि राज्य में सड़क निर्माण के लिए अब तक कितने पेड़ काटे गए हैं और कितने ट्रांसप्लांट किए गए हैं, इसकी जानकारी दोनों राज्यों को सरकार दे। वहीं इस मामले को लेकर बिहार सरकार से अदालत ने पूछा है कि क्या वाइल्ड लाइफ बोर्ड का पुनर्गठन कब होगा, ये जरूर बताएं। अदालत ने कहा कि बिहार में एनएच के चौड़ीकरण और नई सड़क बनाने के दौरान पेड़ों को नहीं काटा जा रहा है, उन्हें ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, जिसके बाद अब अदालत ने दोनों ही सरकारों को 21 अक्टूबर से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। बिहार के नगर निकाय कर्मियों को तोहफा देगी नीतीश सरकार। नीतीश सरकार जल्द ही बिहार के नगर निकाय कर्मियों को गिफ्ट देने जा रही है, जिसके तहत बिहार के सभी नगर निकायों के कर्मियों को कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए उनके 15 दिनों के मूल वेतन या मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। नगर निगमों के नगर आयुक्तों और सभी नगर परिषद के नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। नगर विकास और आवास विभाग के अवर सचिव रामसेवक प्रसाद ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। नगर विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वैश्विक महामारी की रोकथाम जैसे साफ सफाई, सैनिटाइजेशन आदि कार्यों को सुचारू रूप से संचालन में राज्य के सभी नगर निकायों के स्थायी संविदा और दैनिक कर्मियों की महती भूमिका रहेगी। बिहार के रेस्टोरेंट में मांस मछली की बिक्री पर लगी रोक। बिहार के रेस्टोरेंट में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ये रोक केवल 2 दिनों के लिए लगाई गई है, जिसके तहत मांस मछली की दुकानों में तो आज और कल ताला लगेगा ही, बल्कि 2 दिन होटल और रेस्टोरेंट में भी मांस मछली की बिक्री पर रोक रहेगी। इसको लेकर बिहार सरकार ने अपना आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत ही 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को निरामिष दिवस के रूप में मनाए जाने की निर्णय सरकार ने ले लिया है। और इसको देखते हुए 2 अक्टूबर को बिहार में मांस मछली की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा 4 अक्टूबर को पशु दिवस होने की वजह से भी इस दिन बाजार, होटल और रेस्टोरेंट में मांस मछली नहीं बिकेगी। इस बाबत पशुपालन निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बिहार में
होगी जिलों की रैंकिंग। बिहार के हर जिले में विकास हो, इसको लेकर नीतीश सरकार अब तक कई काम कर चुकी है और अब नीतीश सरकार बिहार में नीति आयोग के तर्ज पर रैंकिंग करने जा रही है, जिसके तहत अब साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब बिहार में जिलों की रैंकिंग की जाएगी। सतत विकास लक्ष्य के लिए अब निर्धारित 17 प्रमुख मानकों पर जिलों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। सभी मानकों पर जिलों की क्या उपलब्धि रही है, इस पर ही रैंकिंग की जाएगी। इसका मकसद राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मानकों पर बिहार की उपलब्धियों को और बेहतर बनाना है। जिलों की रैंकिंग को लेकर योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जदयू ने की दोनों कैंडिडेट के नाम की घोषणा। बिहार में विधानसभा की दो सीटों पर जल्द ही उपचुनाव का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर बीते दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जदयू ने इन दोनों सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत कुशेश्वर स्थान सीट से सिटिंग विधायक रहे शशिभूषण हजारी के बेटे अमन हजारी को टिकट मिला है। वहीं तारापुर से राजीव कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ज्ञात हो बीते दिन आयोजित एनडीए की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उपेंद्र कुशवाहा, मदन सहनी समेत अन्य नेता मौजूद थे। इस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। बिहार में मोबाइल पर दिखेगी जमीन के दाखिल खारिज की स्थिति। बिहार में आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार के प्रयासों का असर दिख रहा है। आम लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सीएम नीतीश हर सोमवार को जनता दरबार का आयोजन भी करवाते हैं। वहीं भाजपा और जदयू के मंत्री अपनी पार्टियों के प्रदेश कार्यालय में हर रोज लोगों की शिकायत सुन रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि अब दाखिल खारिज के आवेदन की स्थिति मोबाइल पर देखी जा सकती है। उन्होंने जमीन की व्यवस्था से जुड़े और भी कई सुविधाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही परिवहन मंत्री शीला मंडल ने अपना बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि अधिक किराया वसूलने वाली बसों का परमिट रद्द किया जाएगा। बिहार में मजदूरों की बढ़ी न्यूनतम मजदूरी। बिहार में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया गया है, जो कि बीते दिन से लागू हो गई है। इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बढ़ी हुई मजदूरी दर 2 रुपए रोज से लेकर 68 रुपए महीना तक है। इसकी अधिसूचना श्रम संसाधन विभाग ने जारी कर दी है। बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ 2 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार साल में 2 बार न्यूनतम मजदूरी तय करती है। इस साल 1 अप्रैल 2021 को नई दर लागू हुई थी। दूसरी बार अब 1 अक्टूबर से नई दर लागू हो गई है, जो कि परिषद की तरफ से की गई अनुशंसा के आलोक में ही मजदूरी दर में वृद्धि की गई है। पेपरलेस हुआ सूचना एवं प्राविधिक विभाग। बिहार का सूचना एवं प्रावैधिकी की विभाग में अब फाइलें धूल खाती नहीं दिखाई देंगी, यानी कि अब विभाग के पास कोई भी शिकायत कागजों में लिखे नहीं आएंगे, क्योंकि सूचना एवं प्रावैधिकी अब पूरी तरीके से पेपरलेस हो गया है। विभाग ने यहां की पूरी व्यवस्था में बदलाव करते हुए इसे डिजिटली जोड़ने का काम किया है, जिससे कि अब यहां पर सारे काम पेपरलेस तरीके से किए जाएंगे। इसको लेकर ही बीते दिन सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री जीवेश मिश्रा ने इस नई व्यवस्था का शुभारंभ किया है। इसको लेकर जीवेश मिश्रा ने कहा कि यह बिहार का पहला विभाग है जिसे पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया है। पेपरलेस होने का बड़ा फायदा पर्यावरण को भी होगा, क्योंकि कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही काम में तेजी आएगी और फाइलों के बारे में तुरंत जानकारी दी जा सकती है। ताबड़तोड़ ट्वीट, डबल इंजन की सरकार को बताया दलित विरोधी। बिहार में सियासत तेज है, सरकार और विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने अपने बयान में एनडीए सरकार को डबल इंजन की सरकार बताते हुए दलित विरोधी करार दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार की दलित विरोधी नीतीश भाजपा सरकार बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सैनिटाइजेशन और साफ सफाई के नाम पर एक साथ बिहार के 100% अनुसूचित जाति जनजाति अम्बेडकर कल्याण छात्रावास खाली कराकर क्या एससीएसटी वर्गों के छात्रों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री जवाब दें। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में आज के दिन की थी। तमिलनाडु में मंडपम और पम्बन के बीच समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल 1988 में खुला। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में आज के दिन हुई। बम्बई, जो कि अब मुंबई है, में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1961 में आज के दिन हुआ था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 1869 में आज के दिन हुआ था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में आज के दिन हुआ। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का निधन 1906 में आज के दिन हुआ था। भारत की एक प्रख्यात गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमारी अमृत कौर का निधन 1964 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज मैदान में 2
टीमों का होगा मुकाबला। आईपीएल 2021 के दूसरे फेज का मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज पहला मुकाबला मुंबई और दिल्ली के बीच में होने वाला है। वहीं दूसरा मुकाबला राजस्थान और चेन्नई के बीच में खेला जाएगा। पहला मुकाबला 3:30 बजे आयोजित होगा, वहीं दूसरा मुकाबला 7:30 बजे खेला जाएगा। वहीं पॉइंट टेबल की बात करें तो मुंबई 11 में से 5 मैच जीतकर 5वें स्थान पर है, वहीं दिल्ली 11 में से 8 मैच जीतकर 2रे स्थान पर है। इसके अलावा राजस्थान की टीम 11 में से 4 मैच जीतकर 7वें स्थान पर है, वहीं चेन्नई 11 में से 9 मैच जीतकर पहले पायदान पर है। ऐसे करें ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड। आधार कार्ड भारत सरकार की तरफ से सभी नागरिकों को जारी किया गया एक अहम पहचान पत्र है। हालांकि राहत की बात यह है कि इंडिया पोस्ट द्वारा प्राप्त और UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ई आधार दोनों सामान्य रूप से मान्य है, जिसके तहत अब बस आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आधार की आधिकारिक वेबसाइट UIDAI.gov.in पर जाएं। माय आधार मेन्यू में डाउनलोड आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, आधार एनरोलमेंट आईडी और वर्चुअल आईडी। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आधार ऑप्शन चुनें। अब आपको 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा कोड दर्ज करें और सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद आप आसानी से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,880 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,020 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 59,500 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.53 रुपए प्रति लीटर था। की सड़कें अब ज्यादा होंगी सुरक्षित। पटना की सड़कों को अब और ज्यादा सुदृढ़ और सुरक्षित बनाया जा रहा है, क्योंकि अब पटना की सड़कों पर तीसरी आंख की पैनी नजर रहने वाली है। पटना स्मार्ट सिटी मिशन के शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके जरिए विधि व्यवस्था से लेकर यातायात व्यवस्था तक की निगरानी होगी। इसको लेकर बिहार सरकार 221 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे अपराध की गुंजाइश घटने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही मंचलों पर नकेल कसने में भी अब आसानी होने वाली है। इसको लेकर L&T कंपनी को कैमरा लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसकी जानकारी पटना स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक सह महापौर सीता साहू ने दी। लोजपा प्रदेश संसदीय बोर्ड ने नई टीम का किया ऐलान। चिराग पासवान गुट की लोजपा ने प्रदेश संसदीय बोर्ड का गठन बीते दिन कर दिया है, जिसके तहत संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने बोर्ड में 11 सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत प्रदेश संसदीय बोर्ड में सदस्य के रूप में संजय पासवान, राजू तिवारी, संजय सिंह, राजकुमार साह, मनोज सिंह, संजय रविदास, रंजीत कुमार, सुमन, अशरफ अंसारी को शामिल किया गया है। वहीं पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शंकर झा को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, जिसके बाद अब पार्टी बिहार में नए अंदाज में नजर आने वाली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुमार आशीष, शशि भूषण, मनीष मोहरा, भाकर पांडव यादव, शशि यादव, अर्जुन प्रसाद, कुलवंत सिंह, बबीता यादव, विनोद कुमार, मंतोष कुमार, शंकर मुखिया, प्रवीण राज, अजय कुमार झा, सतीश आजाद, नवीन कुमार, अनवर करीम। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज गांधी जयंती के मौके पर आपको गांधी जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।